हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल द इंजीनियरिंग बड़ी। सो आज मैं आ गया हूँ फिर से एक नए स्कॉलरशिप के साथ। सो इस स्कॉलरशिप का नाम है इंडिया बुल्स फाउंडेशन। एंड इस स्कॉलरशिप का एलिजिबिलिटी क्या है, इसको फिल कैसे करते हैं, आज के वीडियो में पूरा फुल डिटेल बात करूँगा। सो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज मैं महाडीबीटी का अपडेट्स तो लाते रहता हूँ, बट उसके साथ साथ मैं न्यू स्कॉलरशिप्स का भी वीडियो बनाता हूँ ताकि स्टूडेंट्स को बेनिफिट हो सके। जैसे मैंने अभी अमेजॉन फीचर्स और क्यूमिन स्कॉलरशिप का वीडियो बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप चेक कर लेना। सो बढ़ते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सो मैं आ गया हूँ इंडिया बुल्स के वेबसाइट के ऊपर। सो जैसे कि इधर देख सकते हो कि बेसिकली इंडिया बुल्स जो है, जो स्टूडेंट्स को एजुकेशन सपोर्ट चाहिए रहता है उनको स्कॉलरशिप देता है। अभी तक 1400 स्कॉलरशिप दे चुका है। एंड ये कुछ फोटोज़ है जो जिनको स्कॉलरशिप मिला है, जिनको एजुकेशन सपोर्ट की ज़रूरत थी। सो मैं इस वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप चेक कर लेना। सो अब देखते हैं कि फिल कैसे करते हैं। सो इसका गूगल फॉर्म है। सो बेसिकली आप इसमें देख सकते हो कि स्टूडेंट्स, सो अब बात करते हैं कि ये स्कॉलरशिप के लिए कौन एलिजिबल है। सो स्टूडेंट 12th पास होने चाहिए। एंड 12th के बाद अगर स्टूडेंट्स ने इंजीनियर लिया है या MBBS लिया है या IIT लिया है, ITI लिया है, वो लोग स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट उसका एज 25 ईयर से लेस होना चाहिए ऑन 1 अप्रैल 2022 फॉर एकेडमिक ईयर 2020-23। एंड उनके पास PHH और AAY का राशन कार्ड होने चाहिए। एंड वो स्टूडेंट्स लाइक, जैसे कि मैंने बताया कि परसुइंग ग्रेजुएशन कोर्स और हायर एजुकेशन के लिए रहने चाहिए, दोनों अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप को। सो इधर अपना gmail ID डाल देना, जो वर्किंग है, अपना आधार कार्ड पे जो नाम है वो नाम इधर फिल कर देना, आपका डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड पे है, आपका कॉन्टैक्ट नंबर जो आप नंबर जो चालू है, एंड आधार नंबर, अपलोड आधार कार्ड का फोटो इधर अपलोड कर देना। एंड इधर आपका कौन सा राशन कार्ड है, PHH है कि AAY है या दूसरा, तो दूसरे कैटेगरी का रहेगा तो इधर सेलेक्ट कर देना। एंड इधर राशन कार्ड का नंबर लिखना है। एंड इधर राशन कार्ड का फोटो अपलोड करना है, करंट एड्रेस, स्टूडेंट कोर्स, एंड अपना एड्रेस, कॉलेज का नाम एंड कॉलेज का एड्रेस, इधर कॉलेज का कोई फैकल्टी का नंबर और उसके साथ नाम, एंड आप कॉलेज में कितने फीस पे करते हो एनुअली वो लिखना है। इधर फीस स्ट्रक्चर का PDF अपलोड करना है। इधर आपका इलेक्ट्रिक बिल अपलोड करना है। एंड इधर जिधर आप रेंट लेके रहते हो उनका एग्रीमेंट, इफ़ एप्लीकेबल रहेगा तो फिल कर देना, अपलोड कर देना, नहीं तो चलेगा। एंड सबमिट पे क्लिक करके आप अप्लाई कर देना। सो मैं तो बोलूँगा कि आपको ये स्कॉलरशिप अप्लाई करनी चाहिए, एक एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए, फ्री है, 2 मिनट का काम है। एंड अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल रहोगे, सो इधर इंडिया बुल के फाउंडेशन के इधर से आपको कॉन्टैक्ट किया जाएगा पर्सनली, जो आपने मेल दिया उधर मेल करेंगे या फिर आपको पर्सनल कॉल करेंगे। सो मैं इस वेबसाइट का लिंक एंड इस गूगल फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप चेक कर लेना। एंड मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे सेफ।